एफएम पर बज रहे गाने की वजह से मीत की आंखें भीग चुकी थी। तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है। अब तो अकेले में ये आंखें वैसे ही नम रहती थी। कहते हैं हमें अक्सर रोते में चुप करने के लिए वो शख्स चाहिए जो इन आंसुओं की वजह होता है। परेशानी कहाँ आकर उसे चुप करने वाली थी, आखिर वो आए भी क्यों? उसे अलग होने की वजह मीत खुद ही तो था। पर क्या उस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती थी? उसे ना नफरत की वजह मिल रही थी ना ही इश्क का सिला। क्यों ईशानी, वो एक छोटा सा लम्हा हमारे गहरे प्यार के बीच आ गया। तलब थी सांसों में समाने की तुम्हें, किस्मत मिली कि देखने को भी मोहताज हो। मीत की आंखों में नमी थी। उसने सड़क के बीचों बीच ब्रेक लगा दिया। सामने देखा तो लड़के चले आ रहे थे। एक लड़के ने ड्रिंक की हुई थी, दूसरा उसे संभाल रहा था। अचानक से मीत को कुछ याद आया, वो भीगी पलकें लिए जोरों से हंसने लगा। उसे ईशानी से हुई वो तीसरी मुलाकात याद आने लगी। उफ निखरे थे हम वो भी मोहब्बत थी, उफ निखरे थे हम वो भी मोहब्बत थी, और बिखरे थे हम वो भी मोहब्बत ही थी। मीत और रोहित दोनों इंदौर के रहने वाले थे। मुंबई से इंजीनियरिंग करके आगे एमबीए का प्लान कर रहे थे। मीत के पापा जाने माने बिजनेसमैन थे, वहीं रोहित के पापा एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे। रोहित के पापा कानपुर के रहने वाले थे, पर नौकरी की वजह से वो अपनी पत्नी के साथ इंदौर आकर रहने लगे थे। ज्यादा इनकम नहीं थी उनकी, पर दोस्ती के बीच पैसा कहाँ आता है? दोस्ती उनसे होती है जिनसे हमारे कांड मिलते हैं, और मीत और रोहित के सारे कांड एक दूसरे से मिलते थे। तो लड़कियां वो कैसे अलग नेचर वाली पसंद कर लेते। जब मीत और रोहित उस पेड़ से नीचे गिरे थे तो दोनों को कई चोटें आई थी। जब दोनों अपने रूम पर पहुंचे तब धीरे धीरे मीत के दाहिने हाथ में दर्द बढ़ने लगा। रोहित को भी कुछ हल्की फुल्की चोटें आई थी, पर मीत को दर्द ज्यादा हो रहा था। कुछ देर तो दोनों ने कोशिश की संभलने की, पर अब मीत को दर्द की वजह से बुखार भी आने लगा। अब तो दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हॉस्पिटल अकेले जाया जाए, तो दोनों अपने अपने बेड पर लेते थे। क्या लड़की पसंद की तूने, हड्डी तक तोड़वा दी, मीत करहाते हुए बोला। जब कोई पसंद आता है तो एकदम आता है मीत, तू नहीं समझेगा भाई, रोहित करवट बदलते हुए बोला। सो जाते हैं, शायद थोड़ी देर आराम मिले, आज की दर्द की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा। पता नहीं शोले में ठाकुर बिना हाथों के कैसे रहा होगा, यहाँ तो सारे काम ही बंद हो गए हैं। मीत ने कहते हुए आंखें बंद की, पर दर्द की वजह से उसे चैन नहीं पड़ रहा था। इधर ईशानी और नियति अपने रूम में बैठी कुछ कर रही थी। ईशानी ने कुछ सोचकर नियति की तरफ देखा, तभी नियति का उसकी तरफ देखना हुआ। बोल दे जो कहना चाह रही है, नियति ने मुंह में पेन दबाकर अपने लैपटॉप पर कुछ करते हुए कहा। ईशानी बस हल्का सा मुस्कुरा दी। बात करूं मैं रोहित से, नियति ने दोबारा सवाल डाला। हाँ यार, ऊंचाई से गिरे दोनों, और मीत को देखा तूने, पक्का चोटें आई होंगी। बनता है एक बार तो फोन करके पूछ लेना, ईशानी अपने अंदर हो रही उथल पुथल को छुपाते हुए बोली। नियति उछल के उसके बैग पर आ गई। क्या मैडम, आज तेवर कुछ बदले हैं आपके? वो उसके सामने बैठते हुए बोल पड़ी। कुछ नहीं यार, फिक्र तो किसी की भी हो सकती है ना, और सीधे ही है लड़के, एक छोटा सा दिल मेरे पास भी है, बस सलामत हो और क्या, मुझे उसके साथ कोई सीन नहीं बनाना है, ईशानी मुंह बनाकर बोल दी। तू फोन कर ले रोहित को और प्लीज पूछ ले, ईशानी ने कहा। नियति ने वही किया, फोन लेकर ईशानी के सामने बैठ गई और रोहित को फोन किया। रोहित उस वक्त बाथरूम में था, उसने फोन नहीं उठाया। नियति ने पूरी रिंग जाने तक इंतजार किया, फिर मायूस होकर कहा, देख अब फोन भी नहीं उठा रहा है, पक्का गुस्सा हो गया। ईशानी ने अपनी आंखें लैपटॉप में गड़ाए हुए ही कहा। क्या हूँ, अब हमें उसके रूम में जाना पड़ेगा, नियति रोनी सूरत बना के बोली। ठीक है, हमें भी पीना पड़ेगा फिर तो, ईशानी हंसते हुए लैपटॉप बंद करके बोली। अरे यार मजाक नहीं, प्लीज ईशानी कुछ करना, नियति उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। बाबा होल्ड ऑन, सुबह तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इसने मुझे फोन तक नहीं किया, मैं इससे बात नहीं करूंगी, ये वो, अब क्या हुआ? ईशानी उसे देखते हुए बोली। तू एक काम कर, तू फोन ट्राई कर, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, ईशानी अपना चादर खींचते हुए बोली। कुंभकर्ण कहीं की, यह मेरा दिल डूबा जा रहा है, और तू है, तुझे इतनी नींद आके से जाती है, नियति ने उसका चादर खींचते हुए कहा। मुझे तेरी तरह इश्क नहीं हुआ ना अभी, क्या करूं तू ही बता, ईशानी उठते हुए बोली। उसको चलकर देख के आए, नियति उम्मीद की नजरों से ईशानी को देखने लगी। वो पीछे में रहता है, पागल है क्या, और भी लड़के होंगे ना वहाँ? ना बाबा, ये काम मुझसे नहीं होने वाला, ईशानी पल्ला झाड़ते हुए बोली। अरे यार उसका पीछे हमारे पीछे की तरह नहीं है, यहाँ तो वार्डन भी है, उनका ऐसा कोई सीन नहीं है, नियति ईशानी को मनाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, सोचने दे थोड़ी देर, ईशानी कह रही थी कि नियति का फोन बच गया। नियति ने देखा और खुश होकर उठने लगी। सुन रोहित का फोन आ रहा है, बात करके आती हूँ। अरे रुक, कहाँ जा रही है, डाल जरा फोन स्पीकर पर, कहते हुए ईशानी ने उसे पकड़ कर वहीं बिठा लिया। अच्छा बाबा, कहते हुए नियति वहीं बैठ गई। हेलो, हाय, फोन किया था तुमने? क्यों नहीं कर सकती, ईशानी ने आंखें मटका कर वाह के स्टाइल में हाथ हिलाया। कर सकती हो, इससे ज्यादा रोहित कुछ नहीं बोला। तुम ठीक हो, पूछ इससे, ईशानी धीरे से बड़बड़ाई। नियति ने हाँ में सिर हिलाया। कैसे हो तुम, नियति ने फोन पर पूछा। ठीक ही हूँ, रोहित ने रूखा सा जवाब दिया। सर कुछ मीत कैसा है, ईशानी बेताब से बोली। ऐसे कैसे, नियति मुहें चढ़ाकर फुसफुसा कर बोली। पूछना, ईशानी हाथ जोड़े सामने से बोली। और मीत वो ठीक है, नियति ने पूछ ही डाला। नहीं यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर है, रोहित ने मीत की तरफ देखते हुए कहा। शिट, कहते हुए ईशानी ने नियति का फोन लेकर फोन कट कर दिया और अपनी सैंडल्स पहनी। चल जल्दी, वो एकदम बुलेट ट्रेन की तरह नियति से बोली। पर कहाँ, ईशानी तो ठीक है ना, नियति उसे ऐसे भाग दौड़ करते देखकर परेशान हो गई। देख कर आते हैं एक बार यार, हमारी वजह से चोट लगी उन्हें। ईशानी ने अपनी स्कूटी की चाबी उठाई, हेलमेट लिया और नियति को खींचकर बाहर ले आई। आनंद फानंद में दौड़कर स्कूटी के पास पहुंची। ईशानी ने स्कूटी स्टार्ट की, मैप लगा, कहते हुए नियति को बैठने का इशारा किया। हाँ, कहते हुए नियति ने मैप लगाया और रास्ता बताने लगी। कितने मिनट का टाइम दे रहा गूगल, उसने सड़क पर हॉर्न मारते हुए पूछा। 10 मिनट बता रहे, नियति फोन को देखकर बोली। इतने पास रहते हैं दोनों, तू कब मिली इससे पहली बार, ईशानी ट्रैफिक लाइट पर स्कूटी रोकते हुए बोली। यार वो मम्मी पापा जब घूमने आए थे ना, उनके साथ ही रही 4-5 दिन, तुझे याद होगा ना, नियति बताने लगी। हाँ बताया था तूने, ईशानी ने जवाब दिया। तब मॉल में मिल गया था ये मुझे,
पहली बार में ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि पूछ मत। फिर दोबारा सीसीटीवी में मिला था रोहित मुझे, तब पहली बार नंबर दिया था मैंने उसे। नीति मुस्कुराते हुए बताने लगी, शर्मा तो ऐसे रही जैसे आज ही शादी होने वाली तेरी उसके साथ। ईशानी उसे मिरर में देखकर स्कूटी आगे बढ़ाती हुई बोली, हाँ तो हो ही जाती अगर तू बीच में नहीं आती। नीति बिगड़ते हुए बोली, वाह बेटा बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो, बताने को आई तो कह रही है बीच में आई। वो उसे चुप कराते हुए बोली, तू बता मीत को बुखार है सुनते ही क्यों दौड़ पड़ी तू। नियति ने उसे उल्टे हाथों धर दिया, पता नहीं आ क्यों अच्छा नहीं लगा बस ये सुनकर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ईशानी खुद ही नहीं समझ पाई कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रही है। खैर देखकर वापस आ जाएंगे, बात आगे बढ़ाते हुए ईशानी बोली, सुन आगे लगता हूँ कभी जी। कहते हुए नियति ने उसे एक बिल्डिंग दिखाई, चल ऊपर चलकर देखते हैं ईशानी बोली। ईशानी ने गाड़ी पार्क की, हेलमेट निकाला और दोनों ऊपर जाने लगे। उन दोनों के रूम पर वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। लड़की तेरी, गुस्सा तुझसे, ब्रेकअप हुआ तेरा और हाथ मेरा टूट गया और ऊपर से सिर और शरीर पूरा दर्द कर रहा है वो अलग, मीत रोहित को घूरते हुए बोला। हाँ यार और लड़की भी कहाँ साथ है, रोहित अपनी रोनी सी सूरत लिए बैठा था, फोन किया था ना उसने अभी, फिर क्या हुआ। मीत ने तकिया का सहारा लेकर बैठते हुए पूछा, कट कर दिया भाई बात भी पूरी नहीं की ठीक से। रोहित का रोना गाना चालू था कि उन्हें रूम पर नॉक करने की आवाज सुनाई दी। रोहित ने गेट खोला, उसे अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। ईशानी उसे धक्का देते हुए सीधे अंदर चली गई। उसने देखा मीत अपने बेड पर तकिए का सहारा लिए अपना हाथ पकड़कर बैठा था। मीत ने देखा वो खड़ी थी, वो सिर से लेकर पैर तक उसे देखने लगा। हवा में लहराते खुले बाल, कानों में बूंदे, भूरी भूरी आंखों पर गोल गोल चश्मा, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ, पिंक कलर का कुर्ता और ब्लू जींस। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, काश ये झलक ता उम्र मुझे यूं ही याद रहे। उसने लंबी सांस भरी और बंद आंखों से ही वो बोला, यार रोहित तुझे जब से नियति से प्यार हुआ था तब क्या वो तुझे दिखाई देती थी ऐसे। यार मुझे ना ईशानी दिखाई दे रही है, मीत शर्माते हुए बंद आंखों से बोला। रोहित ने सिर पीट लिया, उसके पास आकर बोला, वो मुझे भी दिख रही है भाई, चुप कर तू नियति से आगे मत बढ़। आंखें खोल के वो रोहित को मारने के लिए हाथ उठाने लगा कि करा उठा, अरे क्या हुआ तेरे हाथ में, ईशानी ने सामने से पूछ लिया। ओ तेरी ये तो सच है, वो नियति और ईशानी को देखते हुए बोला। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, रोहित ने उसे देखकर हामी भरते हुए कहा। अब मीत थोड़ा संकोच करते हुए बोला, ईशानी जी आप बैठे ना। उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए हाथ उठाया पर दर्द के मारे वो उठा नहीं पाया। हमें बैठने बिठाने के लिए नहीं आए समझे, ईशानी बोल पड़ी। क्या हुआ है हाथ में, उसने दोबारा पूछा। टोपियों को पीट पीट कर थेपला बना दिया, अब पूछ रहे हो कि क्या हुआ है हाथ में, रोहित गुस्सा करते हुए बोला। हम अच्छी शरीफ फैमिली के बच्चे हैं, पुलिस का डर दिखाकर पेड़ से गिरा दिया और पूछ रहे हो क्या हुआ, वो आगे बोला कि मीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईशानी को भी अपनी सख्ती पर बुरा लग रहा था पर मीत की वजह से पिछले दो दिनों में वो जितना हंसी थी इतना तो कभी नहीं हंसी। आई एम सॉरी कहते हुए वो मीत के पास आई। मीत अपने पैर समेटते हुए शर्मा कर बोला, कोई बात नहीं बस आप थोड़ा दूर से बात कीजिए। ईशानी को हंसी आ गई, क्यों सनसनी छूट जाती है। ईशानी ने हंसते हुए उसके सामने बैठते हुए पूछा। मीत ने बस नाम से हिला दिया और मुस्कुरा दिया। दिखाओ मुझे, कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा। मीत उसे देख रहा था, आंखों में आंखें डालकर शिद्दत से उसका हाथ थाम लो। अनकही बातों को सुनने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। अब आलम यह था कि मीत उसकी चुवन से कांप रहा था और ईशानी उसका हाथ पकड़े उसे देख रही थी। वो अचानक से बोली, मीत तुम्हें तो फीवर है, तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया। रोहित ईशानी के व्यवहार से चौंक गया, वो नियति के पास खड़ा होकर बोला, सीन क्या चल रहा है, कल तक तो मार मार कर अदब की तरह टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, आज मलहम लगा लिया। भाई तो मैं भी सोच कर टेंशन ले रही हूँ, इसको क्या हुआ, नियति उन्हें देखकर कहने लगी। फिर नियति ने रोहित की तरफ देखा, सॉरी रोहित, कहते हुए उसने अपना कान पकड़ लिया। पागल है क्या, कान मत पकड़, गलती मेरी भी थी, रोहित मुस्कुराते हुए बोला। मीत उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम क्यों हंस रहे हो, ईशानी ने उससे पूछा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। अच्छा चलो डॉक्टर के पास जाकर आते हैं, ईशानी अचानक से बोली। ये सुनते ही मीत चौंक गया, घूरो मत मैं भी इंसान ही हूँ, मैं तुम्हें ऐसे दर्द से तड़पता नहीं देख सकती। ईशानी अपनी भूरी भूरी आंखें उसकी आंखों में डालकर बोली। अब आलम यह था कि मीत की नजर ईशानी से हट नहीं रही थी। रोहित तुम्हें भी चोटें आई हैं क्या, वो पलट कर रोहित को देखते हुए बोली। ज्यादा नहीं आई है पर मीत को दिखाना जरूरी है, हम जाने वाले थे डॉक्टर के पास, रोहित ने उसे बताया। ठीक है चलो मीत, और तुम दोनों बातें करो तब तक हम आते हैं, कहते हुए ईशानी ने मीत की तरफ देखा। मीत ने बस मुस्कुराकर हां में मुंडी हिला दी। ईशानी आगे आगे, मीत उसके पीछे पीछे चल दिया। सीढ़ियों से उतरते हुए मीत को पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था, उसके चेहरे से यह साफ झलक रहा था। ईशानी ने उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे नीचे उतारने लगी। दोनों स्कूटी के पास पहुंचे, ईशानी ने स्कूटी स्टार्ट किया और मीत को बैठने का इशारा किया। मीत पीछे बैठ गया, ईशानी ने उसे साइड मिरर में देखा। मीत, वो धीरे से बोली। जी ईशानी, उसने फट से जवाब दिया। मैं स्कूटी बहुत रफ चलाती हूँ, तुम अच्छे से पकड़ कर बैठना नहीं तो दूसरा हाथ भी टूट सकता है, वो हंसते हुए कहने लगी। आपकी खातिर जान हाजिर है, दूसरा हाथ क्या चीज़ है, मीत ने भी जवाब में कह दिया। लाइन मार रहे हो, ईशानी ने पलट कर कहा। अरे नहीं सॉरी, वो छेपते हुए बोला। तो नहीं मार रहे थे, वो उसे छेड़ते हुए बोली। अरे नहीं मेरा मतलब सॉरी, वो दोबारा बोला। अच्छी टेक्निक है, बस सॉरी बोल दो, कहते हुए वो मुस्कुराने लगी। मीत भी मुस्कुरा रहा था। ईशानी की स्कूटी के पीछे बैठे मीत का तो ये लाइफ का बेस्ट डे था, उसके चेहरे की हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और ईशानी उसकी इस हंसी को अपने साइड मिरर में देख रही थी। ईशानी मीत को लेकर नजदीक वाले हॉस्पिटल पहुंची, वहां जाकर उसने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मीत का हाथ देख रहे थे और मीत चीखने चिल्लाने में लगा था। ईशानी उसके साथ खड़ी थी, कई दफा तो हड़बड़ी में उसने ईशानी का हाथ इतना कसकर पकड़ा कि वो सिहर से गया, बच्चों जैसा है पूरा। ईशानी मन ही मन ये सोचकर मुस्कुराई, तुम हंस रही हो मुझे तकलीफ में देखकर। डॉक्टर के वहां से जाते ही मुंह बनाकर मीत बोल पड़ा। अरे नहीं, ईशानी आगे बोलने वाली थी कि डॉक्टर बोल पड़े, लगता है काफी ऊंचाई से गिरे हो। डॉक्टर कुर्सी पर बैठकर बोले, कैसे हुआ ये, वो अपना चश्मा नीचे खिसकाते हुए मुंह टेढ़ा करके पूछ बैठे। सफाई करा था सर दिवाली की, तो सीढ़ियों से गिर गया, मीत ने जल्दी में कुछ भी जवाब दे दिया। दिवाली गए 2 महीने हो गए हैं, डॉक्टर उसे घूरते हुए बोला। ईशानी को हंसी आ गई, उसने देखा मीत उसे घूर रहा था, उसने
अपने मुंह पर उंगली रखी और चुप हो गई। वो धीरे से बोली, तुम हैंडसम हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? और इतरा कर अपने बालों पर हाथ फेरने लगी। मीत मुस्कुरा दिया। खैर लग रहा है प्लास्टर करवाना पड़ेगा, एक एक्सरे करवा लेते हैं, डॉक्टर आगे बोले। ठीक है सर, कहते हुए ईशानी उसे लेकर रूम से बाहर निकली और उसके हाथ का एक्सरे करवाया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा और कुछ देर में प्लास्टर करवाया। सारे प्रोसीजर के बाद मीत को उन्होंने एक कुर्सी पर बिठाया और देखा सामने से डॉक्टर चले आ रहे थे। वो बोली, एक मिनट मीत, मैं भी आई। ईशानी डॉक्टर के पास गई। मीत ने देखा वो डॉक्टर के सामने खड़ी दवाई का पर्चा डिस्कस कर रही थी। अब मीत को उसकी समझदारी से भी प्यार होने लगा था, वो उसे ही देखे जा रहा था। अचानक ईशानी की नजरें उस पर पड़ी, वो एक मिनट को झेप गया और उसकी चोरी पकड़ी गई। ईशानी मुस्कुरा दी। डॉक्टर को थैंक यू बोलकर वो मीत के पास आई और बोली, मीत मैं दवाई ले लूं फिर चलते हैं, अभी कैसा फील कर रहे हो? उसने उसे देखते हुए पूछा। अच्छा लग रहा ईशानी, मीत ने हौले से मुस्कुरा कर जवाब दिया। ईशानी ने उसे देखा, उसके बाल पंखे की हवा से धीरे धीरे उड़ रहे थे, उसकी समंदर से गहरी आंखें, हल्की सी बढ़ी हुई शेव और उसकी चौवन की खुमारी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले प्यार का एहसास उसे होने लगा था। ईशानी झट पलटी और अपनी आंखें बंद कर ली और खुद ही अपने सिर पर एक टिकाई और मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ गई। मीत उसे जाते देख रहा था और मन ही मन डीडीएलजी के राज की तरह पलट पलट कह रहा था। और ऐसा हुआ भी, ईशानी ने उसे पलट कर देखा, समंदर दोनों के अंदर हिलोरें ले रहा था। ईशानी ने देखा वो हौले हौले मुस्कुरा रहा था। ये इश्क का गहरा समुंदर हर कोई तो इसे माप नहीं सकता, उन दो लोगों के सिवाय जो इसमें गोते लगाते हैं। आंखों ही आंखों में बातें हो चुकी थी और धीमी धीमी मुस्कुराहट से दिल का हाल पता चल रहा था। कुछ रिश्ते छुपे छुपे रहते हैं, सरेआम नहीं होते, बस एहसास होते हैं, उनके नाम नहीं होते। हर तरफ खुशबू बस तेरी ही बिखरी है, यादें तेरी घूमने जो निकली हैं। मीत अपनी कार बीच सड़क पर रुककर आंखें बंद करके बैठा था। एफएम से आवाज आई, आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। मैं हूं आरजे वेद और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम एक दूजे के वास्ते। आज हमारे पास एक और ऑडियो क्लिप भी आया है मिस खुशी का, उन्होंने ये अपने बॉयफ्रेंड तन्मय के लिए भेजा है। तो आइए सुनते हैं खुशी अपने तन्मय के लिए क्या कहना चाहती है। ऑडियो आगे बढ़ता है, सामने से एक लड़की की आवाज में ऑडियो प्ले होता है। तन्मय, आई नो कि तुम गुस्सा हो मुझसे, सफाई नहीं दूंगी, प्यार तुम्हें भी है अगर तो एक बार मिल लो। आरजे वेद की आवाज आई, क्या बात है भाई, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार तन्मय को खुशी से मिल लेना चाहिए। आइए अब आप सबको सुनाते हैं खुशी का मनपसंद गाना तन्मय के लिए, साथ बिताए उन लम्हों की खुशबू साथ में रहने दे, तू मेरा है ये वहम, रहने दे रहने दे। मीत कार से निकलकर सड़क पर आकर बैठ गया। उस दिन वो ईशानी का पूछना कि अब कैसा लग रहा है, वो मीत का हौले से मुस्कुरा कर जवाब देना, अच्छा लग रहा है ईशानी, वो उसका डॉक्टर के पास उसे लेकर जाना, उसकी एक छोटी सी चोट का जिम्मेदार खुद को मानकर उसका सॉरी कहना। कहते हैं छोटे छोटे वाक्य ही तो जीने का असली मजा देते हैं, पर यहाँ तो वो सारे छोटे छोटे किस्से ही मीत को जीने नहीं दे रहे थे। बीच सड़क पर था वो, कहाँ से सीखा आपने ये अंदाज रूठ जाने का, क्या करूं हर तरीका फेल हो गया है तुझे मनाने का। उस तीसरी मुलाकात का नशा कई दिनों तक नहीं गया। डॉक्टर को दिखाने के बाद ईशानी ने मेडिकल स्टोर से दवाई ली, दोबारा मीत के पास आई, उसके हाथ में मार्कर भी था। वो उसके पास आई और हौले से मुस्कुरा दी, मीत ये सफेद खाली सा प्लास्टर अच्छा नहीं लग रहा है ना। मीत ने अपना हाथ देखा और मुंह बनाकर बोला, हाँ यार बड़ा बोरिंग है, अंकल वाला फील दे रहा है, रुको मैं कुछ लिखती हूँ, थोड़ी ड्रॉइंग कर देते हैं इसके ऊपर, क्या बोलते हो? आंखें मटका कर ईशानी ने कहा। उसका आंखें मटकाना ही इतना कातिलाना था कि मीत उसे देखते हुए बोला, जो जी चाहे कर दो। ईशानी प्लास्टर पर कुछ लिख रही थी और मीत उसे देख रहा था, वो हवा में उसके बालों का उड़कर चेहरे पर आ जाना और उसका बार बार उसे फूंक मारकर हटाना, उसका मीत की तरफ देखना और मीत का झेप जाना जैसे कल की ही बात हो। मीत उसमें इतना खोया था कि उसे पता भी नहीं चला कि ईशानी उसके प्लास्टर का सत्यानाश करने में लगी। थोड़ी देर बाद ईशानी बोली, मीत मैं बहुत अच्छी पेंटर तो नहीं हूँ, पर मैंने कुछ बनाया है, देखो आई होप तुम्हें पसंद आएगा। अपनी भूरी भूरी आंखें वो मीत की आंखों में डालते हुए बोली, तुमने जो भी बनाया है अच्छा ही होगा ईशानी, मीत एकदम फिदा होते हुए बोला। हाँ वो तो है, मैं हूँ ही बेस्ट, ईशानी इतराते हुए अपना चश्मा पीछे खिसकाते हुए बोली। देखो, उसने उसे आंखों से इशारा करा। ओ हाँ, कहते हुए मीत जैसे होश में आया, पर जैसे ही उसने अपना हाथ देखा दोबारा बेहोश होते हुए बचा। ईशानी तुमने ये क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया तुमने, उसने अपने दूसरे हाथ से अपना सिर पीट लिया। तुम्हें ये पसंद नहीं आया मीत, ईशानी मासूम होते हुए बोली। ये क्या लिखा है तुमने, मीत इज अ चिपड़, और ये चिपड़ क्या होता है? चिपड़ का मतलब बहुत क्यूट पर्सन, ईशानी उसे समझाते हुए बोली। और देखो स्माइली, वो बड़ी उत्सुक होकर उसे दिखाने लगी। मीत ने देखा एक दांत वाला बोखा सा स्माइली बना हुआ था जिसके टकले पर ईशानी ने दो बल बनाए थे। अब मीत की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ईशानी इसके बाल, ओ माय गॉड, कहते हुए मीत अपनी हंसी के गुबार को दबाता हुआ धीरे धीरे हंसने लगा। उसने देखा ईशानी अपनी आंखों से आग उगल रही थी। ईशानी इससे क्यूट चीज मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी, कितना प्यारा टकला, मतलब स्माइली बनाया तुमने, तुम तो आर्टिस्ट बन सकते हो यार, कभी ट्राई किया तुमने? मीत अपने आप को संभालते हुए बोला। उसे डर था कि ईशानी नाराज ना हो जाए। नहीं किया पर सोच रही हूँ, कभी मत करना प्लीज। मीत फुसफुसाया और हंस दिया। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें, अभी एक मिनट में सारी हंसी निकाल दूंगी, ईशानी उसे गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली। कितनी प्यारी है यार ये, और इसकी भूरी भूरी आंखें। मीत तो उसमें खोया जा रहा था कि अचानक ईशानी के फोन पर नियति का फोन आया। हाँ बोल, वो मीत की बाजू वाली कुर्सी पर बैठते हुए मीत को घूरते हुए बोली। ईशानी सब ठीक है ना, बहुत देर हो गई तुम दोनों को, नियति सामने से बोली। क्यों, तुझसे रोहित संभाला नहीं जा रहा? ईशानी की आंखें मीत पर थी और मीत अपने हाथ पर बने उस स्माइली को
जितनी बार देख रहा था उतनी बार उसे हंसी आ रही थी, और ईशानी जितनी बार उसे देखती वो सा हो जाती। अरे यार ईशानी तू भी ना, रोहित परेशान हो रहा है और मीत का फोन नहीं लग रहा, इसलिए तुझसे पूछा। नीरज सामने से बोली, क्यों रोहित की गर्लफ्रेंड मीत है या तू? लड़का भगा ले जाने का तो कोई प्लान नहीं है मेरा। रख फोन, आती हूँ अभी, इस आइटम को लेकर थोड़ी देर लगेगी अभी, ईशानी ने कहते हुए फोन कट कर दिया। और मीत को बोली, हंसना खेलना हो गया हो तो चले, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कम गर्लफ्रेंड को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। कहते हुए ईशानी खड़ी हो गई, जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ, कोई समझता ही नहीं। अरे भाई एक छोटा सा दिल भी है मेरे पास, सबको मेरी बुराई ही दिखती है, ईशानी बोले जा रही थी। और जाने को आगे बढ़ी कि मीत ने दूसरे हाथ से उसका हाथ थाम लिया। मैं जानता हूँ ईशानी, एक छोटा सा दिल है तुम्हारे पास और वो बहुत खूबसूरत है। जिस ईशानी को मैं जान पाया हूँ ना, वो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती, बहुत समझदार है, इंडिपेंडेंट है, बहुत प्यारी है। मीत उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, और ईशानी चुप होकर उसकी आंखों में डूबी हुई ये सब सुन रही थी। जान ले लेता है तेरा ये अंदाज़ गुफ्तगु, आंखों में आंखें डालकर जब बात करता है तू। ईशानी को ऐसे देख मीत संभालते हुए धीरे से बोला, मैं और बोलूं या कन्विंस हो गई तुम? हल्की सी शरारत की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अचानक ईशानी झेपी, ये लड़कियों के पटाने के फंदे मुझे सब पता है, अब चलो चुप करके। ईशानी पलटी और उसने अपनी आंखें बंद की, मन में फूट रहे लड़कों का शोर दबाकर अपनी ही धुन में खुश होकर पार्किंग की तरफ बढ़ी। उसे मीत का उसकी यूं तारीफ करना अच्छा लग रहा था, लगता क्यों नहीं, आखिर ईशानी भी तो एक लड़की ही है। ईशानी मुस्कुराती इतराती पहुंच गई पार्किंग में, अपनी स्कूटी निकाली और पीछे मुड़कर देखा, मीत धीरे धीरे चला रहा था। क्या शादी में दुल्हन चलती है वैसे चल रहे हो, जरा कदम बढ़ाओ, मुझे अपने एडमिशन के लिए घर पर बात भी करनी है, ईशानी अपना हेलमेट लगाते हुए बोली। अब मीत को मौका मिल गया उससे उसके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन निकलवाने का। कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वैसे तुम, मीत ने पूछ लिया। बैठो बताती हूँ, कहते हुए ईशानी ने उसे बैठने का इशारा किया। मीत स्कूटी के पीछे बैठा, ईशानी ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए स्कूटी के मिरर में उसे देखकर पूछा, हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे? हाँ मैं ये पूछ रहा था कि तुम दोनों एडमिशन कहाँ ले रही हो, मीत ने अपना सवाल दोहराया। क्यों, ईशानी उसे मिरर में घूरते हुए बोली। अरे बाबा अपने लिए नहीं रोहित के लिए पूछा, वो नियति के साथ अपना एमबीए करना चाहता है। मीत का कहकर चुप हो गया। और तुम, ईशानी ने उसे देखकर पूछा। कि मीत ने उसे देख लिया, आंखों से आंखें मिलते ही वो थोड़ा झेप गया, मैं भी साथ ही कर लूंगा, तुमने बताया नहीं कॉलेज का नाम, मीत धीमे से बोला। ईशानी थोड़ा मायूस हो गई, कई देर था मैं भी तुम्हारे साथ एमबीए करना चाहता हूँ, क्या बिगड़ जाता इसका, पसंद तो वो करने लगी थी मीत को, पर लड़कियों का विचित्र नेचर, चाहती वो यही थी कि मीत पहल करे उससे बात करने की, उसकी तारीफ करने की, उसे मिलने की। बताओ, मीत के दोबारा सवाल करने पर वो जैसे चेतना में आ गई, बता दूंगी ठंड पा, कहते हुए ईशानी अपनी धनों को स्पीड में बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। हवा में ईशानी के बाल उड़ रहे थे और मीत के चेहरे पर आ रहे थे, वो उन्हें हटाना नहीं चाहता था, बस अपनी आंखें बंद किए वो जीवन के सबसे हैप्पी मोमेंट को जीना चाहता था। वो मीत की बिल्डिंग तक पहुंचे, उसने गाड़ी रोकी, उतरो कहते ही मीत ने आंखें खोली, धीरे से बड़बड़ाया, जल्दी आ गया क्या, मायूस सा होकर वो स्कूटी से उतरा। ईशानी ने स्कूटी पार्क की और रूम की तरफ बढ़ने लगी। मीत धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था, रोहित और नियति ऊपर बैठ के कपड़े लड़ा रहे थे। ईशानी को देखते ही रोहित ने पूछा, मीत कहाँ है? आ रहा है, ईशानी बोली। फिर नियति के पास जाकर बोली, इसका दोस्त है गर्लफ्रेंड, जब देखो मीत मीत करता रहता है, तुझे क्यों जलन हो रही है मैडम, नियति उसे छेड़ते हुए बोली। मीत कमरे में एंटर हुआ, रोहित उसके पास गया, यार ज्यादा लग गई, प्लास्टर करवाना पड़ा, वो रोहित को देखते हुए बोला, हाँ यार मीत सॉरी, मेरी वजह से हुआ ये सब, रोहित चिंतित सा बोला। चुप कर, ये देख तुझे ईशानी की ड्रॉइंग दिखाता हूँ, कहते हुए उसने गंजू स्माइल वाला रोहित को दिखाया। अब आलम यह था कि रोहित और मीत दोनों मुंह फाड़कर हंस रहे थे। आई ओके मीत, क्या हुआ तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, नियति उनके पास आकर बोली। नियति मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मीत ने हंसते हुए ईशानी को देखते हुए कहा, जो कि मीत के हंसने की वजह जानती थी। लेकिन हंस क्यों रहे हो भाई इतना, नियति ने रोहित से पूछा। ये देखो तुम्हारी ईशानी की ड्रॉइंग, कहते हुए रोहित ने उसका हाथ नियति को दिखाना चाहा और जोर से पकड़ लिया। मीत के मुंह से आवाज निकल गई, उसकी आवाज सुनकर ईशानी एकदम से उसके पास आई, उसको आराम की जरूरत है और तुम सबका भरत मिलाप हो गया तो हम चले, ईशानी नियति को देखते हुए बोली। और तुम ज्यादा हाथ मत हिलाना, और हाँ चाहो तो उस गंजू को देखकर हंस सकते हो, उसको बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, हंसने से तो खून बढ़ता है ना, तो हंसो प्लीज, टेक केयर, ईशानी ने मीत को देखते हुए कहा। चले अब यहाँ का काम खत्म हो गया, उसने नियति को देखते हुए कहा। चले, ये शब्द उस वक्त ना मीत को अच्छा लग रहा था ना ईशानी को, पर क्या करें, उसे यहाँ से जाना था। थोड़ी देर और रुक जाओ, मीत ने झेपते हुए कहा। रोहित और नियति दोनों उसे आश्चर्य से देख रहे थे और मीत और ईशानी एक दूसरे को। नहीं नहीं अब तुम्हें आराम की जरूरत है, ईशानी ने कहा और नियति की तरफ पलटकर बोली। चल दोबारा कब मिलोगी, मीत की बेकरारी झलक रही थी। ईशानी एक मिनट को रुक गई, पता नहीं, वो बाहर देखते हुए बोली। कुछ तो हो रहा था उसे, उस वक्त मीत से दूर नहीं जाना चाहती थी, ना ही वो मीत से नजरें मिलाना चाहती थी, आंखें तो दिल की जुबान होती है, और उस वक्त कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी वो, उसके पास रुक जाना उसे कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं लगा। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, मीत ने अपना फोन निकाला। ईशानी एक मिनट, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है, वो बोला। ईशानी ने अपनी स्पेलिंग बताई, परफेक्ट, अब इसके नीचे क्या नंबर सेव करना है, मीत शर्माते हुए बोल पड़ा। ईशानी ने मीत की तरफ देखा और नाम से सिर हिलाकर जाने लगी। मीत अपने हाथ में फोन पकड़े उसे जाते हुए देख रहा था और मन में राज की तरह पलट 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 कह रहा था। ठीक वैसा हुआ भी, ईशानी पलटी, मीत को हॉल से मुस्कुराता हुआ देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई, पर क्या करती, उस वक्त उसे वहां से जाना ही था। मीत ने उसे नीचे तक जाते देखा, फिर बालकनी में जाकर उसे और उसकी स्कूटी को निकलते देखा। ईशानी की नजरें भी उस तक पहुंच गई, वो उसे देख रही थी कि नियति बोली, चले। कहते हुए ईशानी ने हवा में हाथ हिलाकर मुस्कुराकर मीत को बाय किया। मीत ने भी उसकी बाय का जवाब मुस्कुराकर दिया, वो चली गई। मीत वहीं खड़ा था, मुझ पर हक है तेरा,
तो अच्छे से जताया कर, सवाल पूछूं या ना पूछूं, तो बस बताया कर। आज भी मीत इस अंधेरी रात में अपनी कार से निकलकर सड़क पर खड़ा था। पीछे से उसका बॉडीगार्ड वीर भी उससे कुछ दूरी पर खड़ा इसे देख रहा था। रात की तकरीबन 1:30 बज चुकी थी और मीत उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ये वही जगह थी उसके पीजी के सामने वाली, जहां से ईशानी का उस दिन जाना उसे अखर रहा था। लड़कों की विश होती है कि वो अपनी बाइक के पीछे उस लड़की को बिठाएं जिसे वो दिलो जान से चाहते हैं, पर यहां तो मंजर पूरा ही उल्टा था। मीत तो स्कूटी की सवारी लेकर इतना खुश हुआ कि वो बता नहीं सकता। उसे अच्छे से याद है उस दिन उसने 30 मिनट रोहित की किसी बात का जवाब नहीं दिया। उस दिन उसका यूं जाना ही उसे जीने नहीं दे रहा था। उसके जाने के 2 मिनट बाद से ही वो उसे मिस करने लगा था। उस दिन उसने कहां सोचा था कि ईशानी से उसे यूं हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। रोहित उसे न जाने क्या क्या सवाल पूछ रहा था और वो अपना प्लास्टर देख के हंसे जा रहा था। मीत सब ठीक है, उसे ऐसे देखकर रोहित ने उसके पास आकर पूछा। पता नहीं यार, क्या यही प्यार होता है? किसी के साथ रहना अच्छा लगता है, उसकी हर छोटी छोटी बातें याद करके हंसने का मन करता है। कहते हैं कि जब किसी की आंखों में देखने के सिर्फ 3 मिनट के अंदर दोनों का दिल एक साथ धड़कने लगे तो समझो इश्क है। मेरा दिल तो उसे 1 मिनट देखकर ही उसके साथ हो लेता है। क्या हो रहा है रोहित? कहते हुए उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तो वो लड़की थोड़ी अकड़ू लगती है, देख दिल दुखाएगी एक दिन। रोहित उसके बेड पर आकर बोला, सह लूंगा और संभाल भी लूंगा, पर आज उसके बिना जी नहीं लग रहा यार। मीत अपने बेड पर तकिए का सहारा लेकर बैठते हुए बोला, अच्छा सुन, नंबर देकर नहीं गई, वो नियति को फोन करके पूछ ले कि वो पहुंच गई या नहीं पहुंच गई सेफली। इतनी रफ गाड़ी चलाती है, पूछ मत। उसकी फिक्र करते हुए मीत अपने हाथ पर बने स्माइली को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, लगता है बेटा तो निकल पड़ा प्यार की नाव में, अब किनारा मिले या ना मिले पर बहते जाना मंजूर है। कहते हुए वो हंसा और नियति को फोन लगाया। नियति अपने बेड पर बैठी ईशानी को देख रही थी और ईशानी अपने बेड पर सोई एक तक पंखे को देख रही थी। पिछले 5 मिनट से नियति उसका ये ड्रामा देख रही थी। फोन आते नियति ने कहा, हाँ रोहित बोलो, तुम ठीक से पहुंच गए ना रूम पर? रोहित मीत को देखते हुए बोला, हाँ पहुंच गए, पर लगता है मैं ईशानी को वहीं छोड़ा हूं। कहते हुए वो ईशानी को देखने लगी। क्यों, क्या हुआ? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। यार 5 मिनट से एक तक पंखे को देख रही है, ये लड़की ऐसी नहीं थी, क्या कर दिया इसको मीत ने? नियति परेशान से बोली। रोहित ने मीत की तरफ देखा, वो अपने प्लास्टर को देखे जा रहा था। मुझे लगता है ईशानी अपने साथ मेरे मीत को भी ले गई। रोहित ने लंबी सांस भरते हुए कहा, हमारी हेल्प के चक्कर में ये दोनों फंस गए यार। रोहित ने अपना सिर पीटते हुए कहा, सही कह रहा था रोहित, हम फंस चुके थे और वो भी बुरी तरह। उलझन धागों की हो या दिलों की, बड़ी मजबूत होती है, तब तक नहीं छूटती जब तक बीच से घटना न पड़े। ईशानी से वो चौथी मुलाकात नहीं होती अगर रोहित के घर पर परेशानी ना हुई होती। मीत नशे में था और सोचते सोचते उस सड़क के बीचों बीच आ गया। सामने से तेज गति से कार आ रही थी। वीर ने देखा, उसे हटाने को दौड़ा, लेकिन मीत उस कार से टकराया